Assalamu alaikum students, आज हम बहुत ही ज़्यादा important topic के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, how to insert citation. बहुत ज़्यादा students इसमें problem feel करते हैं. There are so many ways to insert the citations, लेकिन मैं basic और बहुत ही easy ways की सिर्फ बात करूँगा यहाँ पे, ठीक है. हम citations MS Word में जब put करने जाते हैं, ठीक है, तो हम तीन situations का सामना कर सकते हैं. एक citation from an article, ठीक है. अगर हम for example मेरे पास यहाँ पे एक article है, ठीक है, उस article से citation put करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी डेटा हमने उसके एब्स्ट्रैक्ट से, उसकी फाइंडिंग से जो लेना है, कुछ भी, फॉर एग्जांपल हम कुछ भी जो है ना प्रेफरेंस करना जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल ये पूरे का पूरा एब्स्ट्रैक्ट इसका हम पिक करते हैं और उसको पेस्ट कर दिया, और हम बताना चाह रहे हैं कि हमने ये कहाँ से पिकअप किया. तो हमें यहाँ पर साइड करना पड़ेगा, एक लिंक क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, कि हम बता सकें कि हमने ये कहाँ से पिकअप किया. सही, तो हम दो तरीकों से ये, दो मेथड से ये कर सकते हैं. एक तो हम इसके स्टार्ट में ये पुट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, और एक दूसरा इसके एंड पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो हम इंसर्ट कैसे करेंगे, रेफरेंस पे जाएंगे, ठीक है. अब ये देख सकते हैं हम नॉर्मली ग्रेजुअली APA स्टाइल को जो है ना वो फॉलो करते हैं. देर आर सो मैनी वेज, हार्वर्ड और डिफरेंट जर्नल्स की जर्नल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन हम नॉर्मली APA स्टाइल को फॉलो करते हैं. सही, हम क्या करेंगे, इंसर्ट साइटेशन के टैब पे जाएंगे, ऐड न्यू सोर्स करेंगे. सही, हम आर्टिकल का कर रहे हैं ना, जो है वो साइटेशन इंसर्ट कर रहे हैं. हम बुक की भी कर सकते हैं, बुक सेक्शन की भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे जो है ना वो कॉन्फ्रेंस पेपर्स की भी कर सकते हैं, मिसलेनियस में भी जा सकते हैं, वेबसाइट्स की भी कर सकते हैं. सही, यहाँ पे हम अभी फॉर द टाइम बिंग जर्नल आर्टिकल की साइटेशन कर रहे हैं, ठीक है. ऑथर्स, और ये याद रहे कि हम किसको फॉलो करने जा रहे हैं, APA स्टाइल को. सही, तो APA स्टाइल को फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, अब आर्टिकल हमें जो गिवन है, हमने उससे डाटा ले लिया, हम एज इट इज़ यूज़ करने जा रहे हैं. आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन भी हमें नॉर्मली फ्रंट पेज पर ही गिवन होती है उसके. सही, यहाँ पर हमें आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन गिवन है. अब आर्टिकल के लिए हमें जो पहले, सबसे पहले जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो क्या है, ऑथर नेम्स. सही, ऑथर नेम्स, यहाँ पे दो ऑथर्स हैं, अब्दुल कबीर काजी एंड मोहम्मद अदील मनान. सही, मैंने अब्दुल कबीर काजी को कॉपी किया और एडिट को प्रेस करके, अब इसे यू यहाँ पे जो है ना वो लिखना है कि लास्ट, देखा लास्ट नेम यहाँ पे आना चाहिए, पहले लास्ट नेम काजी, फर्स्ट नेम उनका अब्दुल, और जो मिडल है उसे मिडल की जगह पुट करना और ऐड कर देना. सही, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मोहम्मद अदील मनान जो सेकंड ऑथर नेम है, वो भी हम इस यू ही पुट करेंगे, ठीक है. लास्ट नेम उनका मनान है, फर्स्ट नेम उनका मोहम्मद है, और मिडल अदील. सही, इसको ऐड कर दिया. ऐड करने के बाद ओके करेंगे. अब हमें ये देखें, कॉमास और ये कॉलन्स लगाने के लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम एडिट की ऑप्शन यूज़ करेंगे. सो ट्राई टू यूज़ ऑलवेज एडिट, ठीक है. टाइटल, अब ये टाइटल ऑफ आर्टिकल है. सही, टाइटल क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग अडॉप्शन ऑफ मोबाइल बैंकिंग इन पाकिस्तान, एम्पिरिकल एविडेंस. इस पर हमने क्लिक किया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है. अब जर्नल नेम, अब ये किस जर्नल में पब्लिश हुआ है. सही, हम जर्नल नेम देखने जा रहे हैं, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन बिजनेस एंड सोशल साइंसेस में पब्लिश हुआ है. सो हम उसे कॉपी करेंगे और जर्नल नेम भी पेस्ट कर देंगे. किस ईयर में हुआ था, 2013 मेंशन है, ठीक है. वॉल्यूम 2 है और इशू 3 है. सही, ये नंबर 3 जो है ना ये इशू लिखा हुआ है, वॉल्यूम के साथ ग्रेजुअली इशू ही लिखा होता है. सही, वॉल्यूम 2 है,
पहले 2013 ईयर, अब वॉल्यूम और इशू एपीए स्टाइल में कंपलसरी हैं, सही, और पेजेस भी। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं शो बिब्लियोग्राफी फिल्ड करूँगा और जाके आगे वॉल्यूम और इश्यूज लिख दूँगा, ठीक है, ये वॉल्यूम और इशू, ये तो बहुत इजी है, मतलब इजी है, लेकिन इट्स टाइम टेकिंग, लाइक एवरी टाइम यू हैव टू क्लिक ऑन शो ऑल बिब्लियोग्राफिक फील्ड्स। एज यू नो, जब आप किसी आर्टिकल पे काम कर रहे होते हैं, आपको बहुत सारी साइटेशंस करनी पड़ती हैं, सही। सो इसका मतलब ऑल द टाइम यू हैव टू गो थ्रू दैट फील्ड। बट एक आसान मेथड भी है इसका, क्या कर सकते हैं आप पेजेस में, ठीक है, ये पेजेस में आप इसको यूं पिकअप करेंगे, कैसे, वॉल्यूम टू है इसका और इशू थ्री है, वॉल्यूम टू है, इशू को विद इन ब्रैकेट्स लिखें, कॉमा स्पेस, और अब इसके पेज नंबर्स जो कि गिवन होंगे यहाँ पे, अगर नहीं भी गिवन बिल फर्स्ट, तो हम देख सकते हैं 54 पेज से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आर्टिकल 54 पेज से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट पेज इसका क्या है, 61, 54 से 61, ओके, दैट इज़ द वे। अब इसको मैं ओके करूँगा तो नाउ वी कैन सी कि लिंक बन चुका है, ठीक है, और लिंक बन चुका है और इनका जो है वो एग्जैक्टली जो है ना, हम साइटेशन इंसर्ट कर चुके हैं। अगर ये साइटेशन बिल्फर्स स्टार्ट में हो, अभी तो ये एंड पे है ना, ठीक है, तो विद इन द ब्रैकेट इट्स गुड, लेकिन अगर बिल्फर्स यहाँ पे इन दिस की जगह, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे लिखा होता काजी एंड मनाउन फाउंड इन देयर रिसर्च पेपर, ठीक है, अगर कुछ यूं होता, हम इसको जो है ना यूं तो क्लियर करते हैं ना, लेकिन ये स्टार्ट में अब जो है ना वो दैट इज नॉट अ गुड वे टू राइट इन द ब्रैकेट्स। सो हम क्या करेंगे इसको आउट करने के लिए, यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, काजी और मनान को, और राइट क्लिक करेंगे और एडिट साइटेशन पे जाके ऑथर को चेक करेंगे और टाइटल को चेक करेंगे, ओके कर देंगे, तो अब यहाँ पे सिर्फ ईयर रह गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना वो बाहर आके पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था, ठीक है, काजी एंड मनान, सो इट नाउ इट लुक लाइक अ प्रॉपर साइटेशन, लाइक जो एपीए स्टाइल भी हमें जो है ना वो फॉलो करने के लिए कहता है। सो क्या है, अगर स्टार्ट में दे रहे हैं, हम क्या करें कि ऑथर्स के नेम बाहर आएंगे ब्रैकेट में से, ठीक है, राइट पे दे रहे हैं तो विद इन ब्रैकेट्स आएंगे, सही। और ये किस मेथड में करें, अगर हम एक आर्टिकल को पढ़ के उसके जो है ना कुछ चीज़ कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट से उसकी फाइंडिंग से इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सो अगर रेफरेंस एक स्पेसिफिक आर्टिकल से कर रहे हैं पुट, तो हम यू इंसर्ट करेंगे। सेकंड वे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम इस आर्टिकल का या किसी भी आर्टिकल का रेफरेंस फ्रॉम गूगल स्कॉलर भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो हमें चीज़ें डिफरेंट देखनी पड़ी ना, सही। तो हम क्या कर सकते हैं, गूगल स्कॉलर मैंने ओपन किया हुआ, आर्टिकल्स पे चेक है, अगर हमें जो है ना बिल्फर्स किसी आर्टिकल का प्रॉपर जो है ना वो साइटेशन नहीं मिल रही, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दैट, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं इसको इसी टॉपिक को यहाँ पे गूगल स्कॉलर पे बाय मनान 2013 कुछ, मतलब एटलीस्ट वी हैव टू गिव देम, वी कैन सी के इसी ही आर्टिकल का जो है ना वो क्या हो गया कि गूगल स्कॉलर ने फाइंड कर लिया, सही। अब साइटेड बाय 23 पीपल, 23 लोगों ने इसे साइट किया हुआ, रिलेटेड आर्टिकल्स इसके डिफरेंट गिवन हैं और अप टू सो ऑन, हम देख सकते हैं यहाँ पे साइट का वर्ड यूज़ हुआ है, सही, साइट का वर्ड यूज़ हुआ। अगर हम साइट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट मेथड्स आ जाएंगे टू साइट दैट आर्टिकल, सही। अब हम देख सकते हैं कि उनमें से ये एपीए स्टाइल गिवन है, सही। एपीए स्टाइल में क्या हो रहा है, ए डॉट के डॉट और काजी मीन ये फर्स्ट ऑथर नेम है, ये सेकंड ऑथर नेम है, 2013 है, फिर उसके बाद उसका जो है ना वो टाइटल है, और फिर
जर्नल का टाइटल है, फिर वही इशू और फिर पेज नंबर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इनकम्प्लीट है। समटाइम ऐसा हो जाता है कोई आर्टिकल किसी जो है ना वो अच्छे जर्नल में पब्लिश ना हो, या फिर कुछ साइटेशन में प्रॉब्लम हो, तो फिर इस तरह के जो है ना हमें सामना करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ 54 पेज लिखा हुआ है, सही, लेकिन हमने जब आर्टिकल को पढ़ा तो हमें पता लगा कि इसके जो है ना वो हम जाके चेक कर सकते हैं एडिट सोर्स में कि 54 से ये स्टार्ट हो रहा है और 61 पे एंड हो रहा है, ठीक है, ये हमने मेंशन किया था, सही। अगर हम गूगल स्कॉलर से कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं इजीली कि हम वही प्रोसेस दोहराएंगे, रेफरेंसेस में जाएंगे, इंसर्ट साइटेशन में, ठीक है, ऐड न्यू सोर्स करेंगे, कर्सर वहां पर रखना जहां पे हमें इंसर्ट करना है। हम किसका जो है ना वो दे रहे हैं रेफरेंस, जनरल आर्टिकल का, सही है, और एडिट ऑप्शन में जाएंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम उसमें फर्स्ट ऑथर, बल्कि कोशिश करते हैं कि दोनों ऑथर्स को एक अच्छे ही कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज़ एन ईजी थिंग, और ये हमें जो है ना हमारे टाइम को भी सेव कर देगा। पहले हम इसे डिलीट कर दिया और ए के को मैंने फर्स्ट नेम में ही इंसर्ट कर दिया, ठीक है, और ये कॉमा भी ख़त्म कर दिया काजी के बाद और ऐड कर दिया। अब सेकंड मैंने उसको कॉपी कर लिया था, कोई बात नहीं, फिर से हम जो है ना वो जाके कॉपी कर सकते हैं और इसको वापस आके अब मनान है एम ए को फर्स्ट नेम में हम इंसर्ट कर सकते हैं और ऐड कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब हम देख सकते हैं एक्चुअली दैट इज़ हम कह सकते हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि कितनी इजीली हम जो है ना वो इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। वहाँ पे आर्टिकल में हमें फाइंड करनी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे हमें जो है साइटेशन पे आके हम इजीली उसे ग्रैब कर सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल का नाम था, सही, हमने जाके टाइटल की जगह से पेस्ट किया, उसके बाद जर्नल की बारी आ गई, तो जर्नल ये इटैलिक में नॉर्मली एपीए स्टाइल में जो है ना लिखा होता है जर्नल का नाम, और हम देख सकते हैं कि जर्नल का नाम ये इटैलिक में मेंशन है। हमने जर्नल का नाम लिखा 2013 ईयर वहाँ मेंशन है, हम देख सकते हैं 2013, और आगे वी कैन सी, अब ये जो है ना इसको 2-3 इशू को एग्जैक्टली हम वैसे ही पेस्ट कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो फाइंड आउट करके वो पेज नंबर कंप्लीट भी कर सकते हैं, फिर हम ओके कर देंगे, सेम एज इट इज़ हमारा जो है ना वो साइटेशन कंप्लीट हो गई। ये किस सूरत में था कि हमें कोई आर्टिकल उसका जो है ना वो लिंक नहीं मिल रहा, या फिर हमें समझ नहीं आ रही कि कैसे इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, गूगल स्कॉलर से उसकी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, सही। गूगल स्कॉलर पे जाके हमें ये टू जो है ना वो कॉलन के साइंस इस पर साइट हम चेक करें तो फॉर द टाइम बीइंग कर्सर अगर इंसर्ट करें तो हम देखते हैं कि साइट आ गया, साइट पे क्लिक करेंगे तो हमें रेफरेंसेस मिल जाएंगे, सही। अब थर्ड वे क्या है इंसर्ट करने का, बाकी ये वही एग्जैक्टली अगर हमने एंड पे पुट करना है तो विद इन द ब्रैकेट्स करेंगे, और स्टार्ट पे करना है तो हम उसे बाहर कॉपी करके निकाल लेंगे और जो है ना वो सिर्फ ईयर को लिंक बनाएंगे। और उसके बाद जो है ना अगर विल फर्ड्स हम क्या कर रहे हैं, हम किसी आर्टिकल को पढ़ रहे थे उसके लिटरेचर में से हमें कोई जो है ना वो रेफरेंस देना पड़ रहा है, सही, हमने जो है ना वो क्या किया है पैराफ्रेजिंग की है आर्टिकल को पढ़ते हुए। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कह रहे थे कि यहाँ पे एक रेफरेंस है इंट्रोडक्शन में लीली एंड केम 2007 का गिवन है, मोबाइल बैंकिंग डिलीवर्ड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर बैंक्स टू इनलॉज मार्केट डिवीजन थ्रू मोबाइल सर्विसेज, सही, ये लीली एंड केम ने कहा था, हमने इनकी बात को जो है ना वो प्रेफरेंस किया एज इट इज, मैं एज इट इज बेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो पैराफ्रेज नहीं कर रहा ना, अभी आर्टिकल नहीं लिख रहा, सही, लेकिन आप पैराफ्रेज करेंगे या फिर जो है वो रिफ्रेजिंग करेंगे, वट एवर द थिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप कैसे रेफरेंस इंसर्ट करेंगे, सही। अब हमारे पास जो है ना वो ये रेफरेंस गिवन है लीली, कंट्रोल एफ प्रेस किया, सही, और
एंटर टेक्स्ट में हमने इसे पेस्ट कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 1 2 6 जो है ना वो फाइंडिंग्स आ रही हैं ली के नाम से, लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ली और किम और 2007 को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसका कंप्लीट रेफरेंस एट दी एंड। अब क्या करेंगे, फाइंड करेंगे 2 3, ये 2009 का है हम देख सकते हैं, 4 2008 का है, 5 ये हम देख सकते हैं ली और किम और 2007 का है, सही। हमें हम कह सकते हैं कि जो है ना वो कंप्लीट रेफरेंस मिल गया, सही। अब हम क्या करेंगे, इसको इंसर्ट करना है हमने, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम कर्सर को उस जगह रखेंगे जहां पे हमें रेफरेंस इंसर्ट करना, रेफरेंस पे गए, यहां पे देख लेना एपीआई स्टाइल, इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक किया, एड न्यू सोर्स, हमने जर्नल आर्टिकल का ही रेफरेंस पुट करना है, ऑथर पे आए, एडिट पे क्लिक किया। अब हम वापस जो है वो जाएंगे आर्टिकल पे जहां पे हमने रोका था, वहां पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथर्स के नेम को कॉपी करेंगे, राइट, फर्स्ट ऑथर नेम के डॉट एस डॉट, मैंने ये लिखा इसलिए क्योंकि मुझे कॉपी ना करना पड़े, सही। इसे ऐड किया सेकंड, अब फर्स्ट को उड़ाया और इसको भी उड़ाया और ये देखा एच डॉट एस डॉट फर्स्ट नेम ये मेंशन कर दिया, ओके। अब लास्ट जो है उसको मेंशन करना है किम, उसका फर्स्ट नेम पेस्ट किया और ऐड किया, तीनों ऑथर्स के नाम ऐड हो चुके हैं, ओके कर दिया, सही। अब टाइटल वहां से कॉपी करना है, टाइटल क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग, ये बिफोर दैट इटैलिक, क्योंकि इटैलिक में जर्नल का नाम होगा एपीएस स्टाइल में, ठीक है। टाइटल का नाम पेस्ट कर दिया, प्रोस्पेक्टिव ये देख लेना कि कंप्लीट पेस्ट हुआ है ना, क्योंकि सब टाइम हो जाता है हमें कंप्लीट जो है ना वो नेम नहीं आता, कंप्लीट है। उसके बाद जर्नल का नाम कॉपी किया हमने, यहाँ से इधर आके जर्नल नेम में पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ईयर हमने देखा 2007 मेंशन है, 2007 हमने लिख दिया और पेजेस एग्जैक्टली वैसे ही हम उसे जो है ना इंसर्ट करेंगे, पेजेस यहाँ पे इशू मेंशन है, ठीक है, यहाँ पे हमें पेजेस नहीं दिए गए इसके, सो हम पेजेस के लिए क्या कर सकते हैं, मैंने जो सेकंड सोर्स बताया था ना इशू और सॉरी वॉल्यूम और इशू लिखा कॉमा स्पेस, अब सेकंड सोर्स जो बताया था ना उसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे एग्जैक्टली गूगल स्कॉलर के थ्रू, ठीक है, गूगल स्कॉलर के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन वहां पे हमें कुछ ना कुछ मेंशन करना पड़ेगा। मोर ओवर हम क्या कर सकते हैं, ये पूरे का पूरा कॉपी करके रेफरेंस इसको वहां पे जाके पुट करेंगे और फाइंड करेंगे, तो आई थिंक एग्जैक्टली उसने एग्जैक्टली एक ही आर्टिकल फाइंड आउट किया है, सो आई थिंक कि उसने वही फाइंड आउट किया। अब ये देख सकते हैं हमने साइटेशन भी क्लिक किया तो उसने पेजेस बता दिए 1 से 9 पेजेस, ठीक है, सो दैट मेक सम सेंस टू अस, ठीक है, 1 से 9 पेजेस और इसे ओके कर देंगे। नाउ वी हैव आवर रेफरेंस हियर, ओके। और वही बात है, अगर इसे फ्रंट पे करना है तो आउटसाइड द ब्रैकेट नेम्स होंगे और एंड पे करना है तो इसी तरह ही होगा, सही। और इन द एंड इसका करने का मकसद क्या है, व्हाई वी आर मेकिंग द लिंक्स, सही। अब जब हम सारे रेफरेंसेस इस तरह इंसर्ट कर लेंगे, एंड पे हमें जाके बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करनी पड़ेगी, रेफरेंसेस जैसे होते हैं ना, ठीक है, हम रेफरेंसेस पे आएंगे, बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे। अब 3 डिफरेंट टाइप्स हमें दी गई हैं, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस या वर्क साइटेड। अब रेफरेंसेस के तौर पे जो है ना वो हम क्या करेंगे, इनको इंसर्ट करेंगे, जब देखेंगे इंसर्ट करने के बाद देखेंगे एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आर्टिकल के एंड पे रेफरेंसेस आए हुए थे, ठीक है, सारे रेफरेंसेस आर्टिकल के एंड पे दिए हुए हैं ना, देख सकते हैं, दिस इज द बेसिक वे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें जो है ना वो गिवन है, तो हम इजीली ये देख सकते हैं कि अगर हमने किसी साइटेशन पे जाना है, ठीक है, यानी कि अब ये एग्जैक्टली उसका लिंक बन चुका है साथ, ठीक है, सो हम एग्जैक्टली उस साइटेशन पे जा सकते हैं, साइटेशन पे भी जा सकते हैं इसके थ्रू,
ठीक है, इसीलिए ये लिंक बनता है ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि हम उस पर जा सकते हो, ताकि ये आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली ये लिंक वाकई में कुछ दिया गया है, इसके एंड पे कंप्लीट रेफरेंस गिवन है या नहीं गिवन। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि जो है ना वो किसी ने ऐसे ही कोई चीज़ लिख दी है, नॉर्मली ऐसा कभी हो भी जाता है, तो ये बेसिकली हमें फाइंड आउट करने में इजी रहता है। दिस इज़ द वे कि हम कैसे साइटेशन इंसर्ट करते हैं, वेरी सिंपल बट आई थिंक ये हेल्पफुल होगा। और मुझे लाजमी अपने जो कमेंट्स से बताइएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और आपको फेस करना पड़ी, ताकि मैं अगर उनमें भी हेल्प कर सकूँ तो आई विल बी वेरी ओब्लाइज्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट।